गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आज आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी बहुत सुबह है, बहुत ठंडी लग रही है, तो बस स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी आज का। फ्रेंड्स, आज चूंकि मेरा थर्सडे का फास्ट है, तो आज मम्मी बनाने जा रही है आलू का हलवा। चूंकि मुझे आजकल साबूदाना अच्छा नहीं लगता, ना नमकीन ना मीठा, मैं खाते खाते बोर हो चुकी हूँ। तो आप लोग देखिए कि मेरी मम्मी आलू का हलवा कैसे बनाती है, बहुत टेस्टी लगता है। इसको सबसे पहले आलू को उबाल लेना है, उसको मैश कर लेना है, उसके बाद घी में, मतलब थोड़ा ज़्यादा मात्रा में घी लेना है, और उसमें आलू को हल्का हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और उसके बाद जब आपको लगे कि आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, तो उसमें चीनी ऐड करना है, उसके साथ भी उसको पाँच मिनट तक फ्राई करना है। अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स और इलायची ऐड कर सकते हैं। यहाँ मम्मी ने सिर्फ इलायची ऐड किया हुआ था, क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट्स इसमें अच्छा नहीं लगता। तो बस हमारा हलवा बनके तैयार है, और अब हम लोग रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोलो नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे घर अनाज नहीं। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई, वहां एक घड़ा बेजर का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। लेकिन उस दिन उसे एक ही समय भोजन निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुसार में जाकर चना और गुड़ बिन लाई। उसकी चने की दाल उसे उसकी दाल से केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, स्वागत है आज आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। एज़ यूज़ुअल आप लोग देख रहे हैं वेदर कितना ठंडा है, कितना सुंदर वेदर है। प्रिकॉशन के साथ अब हम लोग निकल चुके हैं स्कूल के लिए। तो चलिए मेरे साथ स्कूल चलिए। बस चलते जाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं। तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं। तेरी मेरी कहानी है। तो गाइस, क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि लड्डू कहाँ छिपा हुआ है? हर्षित, मेरा हर्षित शिवांश कहाँ छिपा हुआ है? आप लोग देख पा रहे हैं क्या? मिल रहा है क्या? लड्डू कहीं खो गया है लगता है। ये कौन है? ये भालू? भालू, ये भालू लगता है लड्डू है क्या? ये भालू लड्डू है क्या?